हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पे। ठीक है, तो ये आज एक क्लास का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर इसको समझो, फिर हम इसको इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन? द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 × 10⁻¹ मीटर। मतलब गिवन में तुमको दे दिया है द डायमीटर ऑफ सन इक्वल टू हाउ मच 1.4 × 10⁻¹ मीटर। यस, और क्या दिया है? द डायमीटर ऑफ द प्लूटो इज 2.3 × 10⁻¹ मीटर। इट मींस की प्लूटो, द डायमीटर ऑफ प्लूटो इक्वल टू हाउ मच 2.3 × 10⁻¹ मीटर। यस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द डायमीटर ऑफ सन एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द प्लूटो। क्या मतलब है इसका सर? पहले हम लोग ये समझते, क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सन जो है कितना टाइम्स ज्यादा है डायमीटर ऑफ प्लूटो से, ये तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है, ये तुमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से एक बात समझो, जब भी तुमको कितना टाइम्स में निकालने के लिए है या कंपेयर करने के लिए है, टाइम्स में या हाफ, राइट, इन तरह का जब भी क्वेश्चन है तो क्या करो, पहले डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड करो। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर किससे किसको डिवाइड करें, तो यहाँ ध्यान से इस बात पे फोकस करो। यहाँ पे जो दिया है ना वैल्यू, द डायमीटर ऑफ द सन, यानी यहाँ के वैल्यू से यहाँ के वैल्यू से क्या करो, डिवाइड करो। मींस की द डायमीटर ऑफ द सन डिवाइडेड द डायमीटर ऑफ द प्लूटो। ठीक है, तो जो मैं बात बोला वही बात मैं करता हूं, यहां पे ध्यान देना। क्या होगा? द डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड द डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड डायमीटर ऑफ प्लूटो। द डायमीटर ऑफ प्लूटो। यस, अब देखो यहां द डायमीटर ऑफ सन कितना है? यस सर, 1.4 × 10⁻¹ मीटर डिवाइडेड डायमीटर ऑफ द प्लूटो कितना है? 2.3 × 10⁻¹ मीटर। यस, अब देखो यहां कैलकुलेशन करो, डेसिमल देखो, इसके बाद भी एक, इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इस डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो क्या मैं यहां से इन दोनों डेसिमल को हटा सकता हूं? राइट, अब ध्यान से यहां देखो, इसका और इसका बेस सेम है ना, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 और क्या चीज में, डिवाइड में, तो पावर क्या होगा? सबट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/4 / 23 × 10⁻¹³ और मीटर मीटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 14/23 × 10³। यस, अगला क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हम क्या करेंगे, क्या मैं इसी बात को लिख सकता हूँ, 1/4 × 10³ यानी 3 0 यहाँ पे डिवाइडेड 23। यस, अब क्या करो, 23 में इसे डिवाइड करो, करके देखो कितना आता है, तो 23 / 1400 कितने टाइम्स में, पहले लगाते कितने टाइम्स में, ये तुम्हारा हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो ज्यादा आ जाएगा, यानी देखते हैं 6 से लगा के देखते हैं, कितने से, 6 से, यानी 6 × 3 = 18, कितना बचा 1, और 6 × 2 = 12, 12 + 1 = 13, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 138। देखो यहाँ 6 × 3 = 18, 1 और 6 × 2 = 12, 12 + 1 = 13। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ये तुम्हारा कट जाएगा, 10 यहाँ उतारो, नहीं लगेगा डिवाइड सर, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ उतारो, कितने टाइम्स में लगेगा, 9 टाइम्स में, आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 7 बचा 2, 9 × 2 = 18 + 2, यानी 207 हो जाएगा, है ना, यानी कितना से लगाएंगे, 8 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, राइट, बचा कितना 2, 8 × 2 = 16 + 2 = 18, राइट, ये हो जाएगा 6 और ये 1 और ये कट जाएगा। यस, अब क्या करेंगे, एक जीरो हम, अब तो लगने वाला है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ
डेसिमल पुट करके जीरो यहां उतारना पड़ेगा। कितने टाइम्स में लगेगा सर, टेल मी। आई थिंक 6 2 तो हो जाएगा तुम्हारा, 7 से लगाया था 7 2 14, 7 8 से लगाया था कितना आ जाएगा, 8 से तो इतना आ जाएगा, आई थिंक 7 से लगेगा, देखते हैं 7 से लगाया तो कितना होगा, 7 3 21 2 और 7 2 14 14 15 16 यानी 161 है, ये ज्यादा आ जा रहा है। तो हमको कितना से लगाना पड़ेगा बोलो, 6 से लगाना पड़ेगा, कितना से, 6 से, तो 6 से कितना आ जाएगा 138, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या होगा 2, ये कट जाएगा। फिर एक 2 डिजिट तक कर लेते हैं, यहाँ 220 आ जाएगा, कितने टाइम्स में लगेगा, आई थिंक 10 टाइम्स में तो ज्यादा आ जाएगा, 230 आ जाएगा यानी 9 टाइम्स में लगेगा, कितने टाइम्स में 9 यानी 9 3 27 का 2 बचा कितना 2 और 9 2 18 प्लस 2 20, इट मीन्स कि क्या हुआ 7 7 यहाँ हो जाएगा 3 और ये 1 और ये कट जाएगा, राइट। तो दो ही डेसिमल तक हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या समझ में आया, इतना इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 608.69 आंसर आ गया, यस। अब देखो यहाँ से, यहाँ देखो इसी बात को, यहाँ क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसी बात को, द क्योंकि ये इतना ही इक्वल टू ना ये आया है, द डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड, द डायमीटर ऑफ प्लूटो, राइट, लिख सकते हैं। अब इसके साथ ये क्या चीज में है, डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो द डायमीटर ऑफ सन इक्वल टू 608.69 मल्टीप्लाई क्या होगा, द डायमीटर ऑफ प्लूटो आ गया ना। तो यहां से क्या हमको क्या प्रूव करना था, कितना ज्यादा है, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान देना, द डायमीटर ऑफ सन, यहां से मैं बोल सकता हूं द डायमीटर ऑफ सन इज 608.69 मोर देन, कितना ज्यादा है, इतना 608.69। क्वेश्चन देखो यहाँ, हाउ मेनी टाइम्स मोर देन, यानी इतना टाइम्स है ना, यानी द डायमीटर ऑफ सन इज इतना टाइम्स मोर देन द डायमीटर ऑफ क्या होगा प्लूटो, ठीक है। तो सब ठीक है ना, समझ में आया। सबसे जरूरी यहाँ क्या, इस बात पे ध्यान रखना कि जब भी टाइम्स में हो, राइट, जब भी टाइम्स में क्वेश्चन पूछे कितना टाइम्स कंपेयर करने के लिए, तो क्या करना, डिवाइड करना, डिवाइड किससे किसको करना है सर, इस बात पे ध्यान देना। यहाँ पे जो वैल्यू क्या है, यहाँ द डायमीटर ऑफ द सन डिवाइडेड द डायमीटर ऑफ द प्लूटो, यहाँ जो वैल्यू इसके इससे इसमें क्या करना है डिवाइड कर, सॉरी इसमें इससे क्या करना है डिवाइड करना है, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करो बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताओ, राइट, उन लोग को भी बताओ कि अगर उस सबको भी कोई डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे क्या करो, उस प्रॉब्लम को भेजो, मैं उसको वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।